Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teachers, plus 2 Agarwal High School, Belagans. Most welcome to you in GAIA Guidance Program as a mathematics sessions. As we know that, we concerned about calculus in previous classes, and also we know that what is calculus, who invent the calculus, and what is infinity, what is a tends to 0, as well as how to solve the limit of the function. And today in this section we discuss about calculus as a limit of function and continuity of function. So first of all, we know that continuity of function, continuity of function, continuity of function, there is only one case to a function will be a continuous at any given points. First of all, we know a function fx is said to be continuous if continuous at a point x equal to a. In this step, a function fx is said to be continuous at point x equal to a if limit x tend to a minus, otherwise a minus 0, function of x equal to, this means limit x tend to a minus, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस का मतलब होता है LHS लिमिट, यानी a टेंस टू a माइनस साइड, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस मींस RHS साइड, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ a. यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम किसी भी लिमिट को फंक्शन को LHS साइड से चलेंगे, उसका वैल्यू RHS से चलेंगे या RHS लिमिट चलेंगे उसकी वैल्यू, और वो गिवन वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए. यहां FA का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू. यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होने के एक और केवल एक ही कंडीशन है, जो लिमिट LHS, इसको हम आप कह सकते हैं कि LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ a, मींस फाइनाइट वैल्यू. ये फाइनाइट भी होना चाहिए, और ये वैल्यू जो है LHS लिमिट और RH लिमिट इक्वल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यह गिवन जो फंक्शन है हमारा वो एज ए कंटिन्यूअस है. अब कंटिन्यूअस के अलावे अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ये इसमें हमें दो चीज ध्यान रखना होता है. ये नहीं समझना है कि केवल लिमिट LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल हो जाएगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया. नो, इसके लिए हमें ध्यान देना है कि LH लिमिट RH लिमिट गिवन फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, प्लस वो फाइनाइट भी होना चाहिए. अदरवाइज फाइनाइट नहीं होगा तो हमारा गिवन लिमिट डिसकंटिन्यूअस चला जाएगा, और फिर हम लोग उसको कंटिन्यूअस वे में नहीं समझेंगे. तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि लिमिट ऑफ फंक्शन LH लिमिट का और लिमिट ऑफ फंक्शन RH लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तभी हमारा जो लिमिट होगा वो कंटिन्यूअस होगा. अब हम लोग देखते हैं इसमें बच्चों कि किस केस में हमारा लिमिट जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो डिसकंटिन्यूअस के लिए हम लोग देखते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस, मींस डिसकंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए करा है कि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस किस से केस में नहीं होगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेज है, उस केसेज पे हम लोग नजर दौड़ाएंगे, तो देखते हैं। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल वेज टू ए फंक्शन मस्ट बी ए डिसकंटिन्यूअस। फर्स्ट इसका केस आप देख सकते हैं कि इफ लिमिट x tends to a minus नॉट इक्वल टू लिमिट x tends to a प्लस फंक्शन ऑफ x कर दीजिए, फंक्शन ऑफ x। बस अगर ये दो पार्ट, पहला हम लोग देखेंगे कि LH लिमिट निकालेंगे, RH लिमिट निकालेंगे, और ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट का मतलब हो गया बट इट इज एग्जिस्ट का मतलब हो गया, यहां पर ध्यान देना है कि ये वैल्यू हम अगर LH इस लिमिट निकाल रहे हैं, RH लिमिट निकाल रहे हैं, और वैल्यू कोई फाइनाइट आ रहा है बट नॉट इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, और इस पर हम लोग बनाएंगे और एग्जाम्पल पे भी आएंगे और इससे हमारे प्रॉब्लम भी आएगा, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझ जाते हैं कि कंटिन्यूअस होने के कौन कौन से हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन पे हमें कैसे काम करना है। बहुत आसान है, और ये जो आपका लिमिट ऑफ फंक्शन जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, नॉट ओनली फॉर दोज एस्पिरेंट हु हैव इन प्लस वन और प्लस टू बट ऑल्सो दोज स्टूडेंट हु हैव प्रिपेयर्ड द जेई आईआईटी एंड मेडिकल्स। जो बच्चे अगर जेई आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा, इसलिए इसे बहुत बड़ी नजर रखकर और पारखी नजर से ध्यान से देखना है, और हमें समझना है कि लिमिट ऑफ फंक्शन मेन यही होता है कि अगर हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन की कंडीशन को ढंग से समझ लेते हैं, कौन हमारा कंटिन्यूअस होगा कौन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो उसमें हम लोग बहुत आसानी से इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा जो केस आएगा, तो हमने देखा कि अगर लिमिट का RH लिमिट और LH लिमिट प्लस फाइनाइट वैल्यू सेम इक्वल एकदम सेम हो जाएगा तब कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन फर्स्ट हमारा डिसकंटिन्यूअस क्या बता रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू प्लस यानी LH लिमिट और RH लिमिट दोनों वैल्यू फाइनाइट तो है बट नॉट इक्वल, इसलिए यह वैल्यू हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए हम मेंशन किया बट इट इज एग्जिस्ट, मीन्स ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट वैसे फंक्शन को कहते हैं जो आपका फाइनाइट के पहले आ जाता है, यानी वो वैल्यू फाइनाइट होती है वही एग्जिस्ट करता है, अगर इनफाइनाइट होगा तो कहा जा सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है बट दोनों की वैल्यू अलग अलग है, और ऐसे केसेस में हमारा जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं कि लिमिट डिसकंटिन्यूअस होने का सेकंड क्या पोजीशन है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मींस RH लिमिट, हम इसमें LH लिमिट देखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू यानी इक्वल हो जाए लिमिट ऑफ x टेंड टू a प्लस फंक्शन ऑफ x एंड देयर इज नो फाइनाइट वैल्यू। अगर ये फाइनाइट वैल्यू एक LH लिमिट RH लिमिट और FA के फंक्शन ऑफ A जो अप्रोचिंग टू A जाएगा उसके अगर इक्वल नहीं होगा, इसमें एक शर्त और लिख दे रहे हैं जो क्लियर करता है कि A एग्जिट करेगा एंड A दोनों LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल भी होगा बट फंक्शन जो अप्रोचिंग टू A होना चाहिए वो आपका एग्जैक्ट नहीं होगा, तब इस केसेस में भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पर हम लोग देखते हैं, थर्ड हमारा जो डिसकंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है उस पर हम लोग देख लीजिए। यहां हम लोग क्लियर हो जाना चाहिए कि LH लिमिट RH लिमिट कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब दोनों की वैल्यू फाइनाइट हो और इक्वल नहीं हो। दूसरा देख रहे हैं कि इक्वल है बट वो गिवन अप्रोचिंग टू ए नहीं है, तब ऐसे हालत में भी हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब तीसरा देख लीजिए कि इफ फंक्शन ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड,
यह ध्यान देने वाली बात है, इज नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड किसको कहते थे, हम लोग प्रीवियस क्लास में इस पर चर्चा किया था कि वैसे फंक्शन जो नॉट डिफाइंड होता है मीन्स इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, और इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, इनडिटर्मिनेट हो जाए तो हम समझते हैं कि यह फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, यानी एक फंक्शन ऑफ ए जो अप्रोचिंग टू ए जा रहा था, अगर उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाए मींस वह इंफिनिटी की तरह भाग जाए, या इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की तरह आ जाए, या जीरो अपॉन जीरो की तरह आ जाए, तो समझ जाइए कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। और इस केसेस में फिर हम लोग डिसकंटिन्यूअस के लिए अलग से जो सॉल्यूशन जो मेथड है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर चौथा के लिए देख लीजिए, फोर्थ हमारा कोई फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझने की जरूरत है। लिमिट एक्स टेंस टू ए मींस माइनस, यानी एलएच लिमिट हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, चाहे ये या ये, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दो फंक्शन का एलएच लिमिट निकाला वो एग्जिस्ट नहीं किया, आरएच लिमिट निकाला वो एग्जिस्ट नहीं किया, मींस हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ऐसे फंक्शन को समझने के लिए हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको बहुत बेहतरीन ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ग्राफे में हम लोग देख लीजिए कि ग्राफ माध्यम से हम लोग इसको कैसे अप्रोचिंग टू लिमिट दिखा सकते हैं और उसको हम लोग शो कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो ग्राफ बता रहा है, एक फंक्शन है, हम लोग एक्स एक्सिस पे एक्स को रख लिया है और वाई एक्सिस पर फंक्शन एक्स को रख लिया है, और अप्रोचिंग टू ए हो गया एक्स फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि जब ये फंक्शन को हम लोग अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम एलएच लिमिट तरफ से जाएंगे तो ये जाते जाते हमारा एक पॉइंट पर वैरी कर रहा है जो अप्रोचिंग टू ए मींस हो गया कि नॉट इक्वल टू ए बट इट इज नियर अबाउट ए। फिर उसी तरह से आरएच लिमिट की तरफ से चला और उसकी भी वैल्यू हमारा अप्रोच करते हुए वो एक ही बिंदु पर आ गया, यानी जब दोनों पॉइंट हमारा एक बिंदु पर जाकर ये ओवरलैपिंग करे या आपका मिक्सअप हो जाएगा तो कहा जाएगा कि एलएच लिमिट और आरएच लिमिट ये दोनों जाके हमारा कंटिन्यूअस वे में चला जाएगा। तो कंटिन्यूअस को हम लोग ग्राफ में समझने के लिए है कि जब हम लोग किसी भी फंक्शन को एलएच लिमिट तरफ से दिखाएंगे, आरएच लिमिट से ग्राफ अगर खींचेंगे और दोनों एक दूसरे पर वो पॉइंट अप हो जाएगा तो समझिए जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, ग्राफ में देख रहे हैं कि यह हमारा एक पॉइंट जो यहां पर हम लोग फाइनाइट वैल्यू के वे में दिखा रहे हैं, एक पॉइंट जो हमारा फाइनाइट वैल्यू है और ये अप्रोचिंग टू ए है, ये अप्रोचिंग टू ए आरएच लिमिट है, ये अप्रोचिंग टू ए एलएच लिमिट है, और दोनों एक ही पॉइंट पर आपका आकर मिक्सअप हो रहा है, इसलिए हमारा दिस ग्राफ सो दैट दिस हेयर लिमिट एफएक्स ए एलएच लिमिट एंड लिमिट एफएक्स आरएच लिमिट एंड एफए इक्वल, बोथ आर सब इक्वल एंड सो दिस ग्राफ सो दैट एग्जिस्टिंग ऑफ फंक्शन एफएक्स इज कंटिन्यूअस, यानी ये दोनों ग्राफ भी फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। इन केस ये ग्राफ जो हमारा जो शो कर रहा था वो क्या है, कंटिन्यूअस वे में हो गया। अब डिसकंटिन्यूअस के लिए हम लोग देख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस के सेंस में हम लोग देखने के लिए उसी तरह से हम लोग एक फंक्शन ऑफ एक्स को वाई एक्सिस पे और एक्स को एक्स एक्सिस पे रख के जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे अप्रोचिंग टू ए, क्योंकि ये फंक्शन हमारा एक्स टेंड्स टू ए जाएगा तो अप्रोचिंग टू ए ले जाएंगे, और इसको एलएच लिमिट तरफ से जब हम ग्राफ खींचा तो ये हमारा एक वैल्यू फाइनाइट एल टू आ रहा है जो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 3 बता रही है। जब आरएच लिमिट से उसी फंक्शन को किया तो हमारा ये अप्रोचिंग टू ए में वैल्यू ए पर 2 पॉइंट पर आया और दोनों एक दूसरे के ये अलग अलग है, एक जैसा नहीं आ रहा है, मींस हमारा जो ये शो कर रहा है कि ये गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। जब ये एक दूसरे से अलग अलग है मींस अलग डिफरेंस हो गया, वैल्यू भी यहां शो कर रहा है, फाइनाइट भी है,
दोनों वैल्यू फाइनाइट भी है, बट जैसे कि हम लोग फर्स्ट में दिखाया था कि फाइनाइट बट नॉट इक्वल आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर हम लोग वही देख रहे हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या हुआ कि लिमिट यहां एफ एक्स ए एक्स टेंड्स टू ए माइनस 3 आया जो कि फाइनाइट आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू 2 आया वो भी फाइनाइट हुआ और दोनों इक्वल नहीं हुआ सो द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। इसी तरह से एक और ग्राफ के माध्यम से आप लोग के लिए हम लोग देखिए यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग देख लीजिए कि कैसे लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर देख लीजिए एक फंक्शन और है जो हम एलएच लिमिट से जब चलते हैं तो ये हमारा वैल्यू बढ़ते बढ़ते इंड तक चली जाती है, इनफाइनाइट टर्म तक चली जाती है, यानी कोई इसका हमारा अप्रोचिंग ए में वैल्यू एकदम इंफिनिटी की तरफ भागेगा, और आरएच लिमिट से भी चलेंगे तभी इसको अप्रोचिंग पे हमारा वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, और ऐसे केस में दोनों वैल्यू हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। ये भी ग्राफ हमें बहुत स्पष्ट बता रहा है कि हमारा फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, सो दैट लिमिट फंक्शन ए माइनस जीरो एंड लिमिट फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो इज इंफिनिटी सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ग्राफ के माध्यम से बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और फंक्शन कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगा कौन कंटिन्यूअस होगा बहुत आसानी से एज एग्जांपल भी देख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ये न्यूमेरिकल वे में भी देख सकते हैं, ग्राफी विधि से भी देख सकते हैं। अब देखिए जब लिमिट हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ हमारा जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी की टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाती है और वो हमारे फार्मूला इंपॉर्टेंस माना जाता है, इसके सहारे से हम लोग सॉल्यूशन जो करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन का ये हमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो इसलिए हमें इस पर नज़र रखने की जरूरत है। देख लीजिए आप लोग के लिए कलेक्शन है कि सम इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टिल इन्फिनिटी, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हम इन्फिनिटी वैल्यू तक का मान कैसे वैरी करता है वो देख लीजिए। जैसे 1 प्लस x टू द होल n, n का मतलब हम लोग जब इसको इस सूत्र पर रखते हैं 2 पर रखते थे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी जो भी ये फार्मूला है टिल इंफिनिटी तक है तो 1 प्लस x की पावर n है मींस 1 प्लस n इनटू x प्लस n इनटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस साइन इज कॉल्ड फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू होती है अलजेब्रा में बताया जाएगा कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आता है, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी 1 इंटू 2, 3 का फैक्टोरियल आया तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से वैल्यू रेज करता है। और एक्सा स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्सा स्क्वायर डॉट और डॉट टिल इन्फिनिटी। इसी तरह से अगर माइनस में जाएंगे तो एक 1 फिर माइनस में आएगा फिर प्लस 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फिर माइनस आ जाएगा एन इंटू यानी अल्टरनेट माइनस आ जाएगा। फिर आइए जो कि ये फॉर्मूला हम लोग के सॉल्यूशन में बहुत आता है x टू द पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू x टू द रेज n माइनस 1 प्लस a x टू द रेज n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x टू द रेज n, इस तरह से ये हमारा n माइनस 1 घटते चला जाएगा और टिल ये x की पावर 0 तक आ जाएगा और a का पावर हमको बढ़ते चला जाएगा ये एक माइनस में, तब हमारी वैल्यू a माइनस 1 में चली आएगी और उस केस में हमारा यह फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे चलिए एक्सपोनेंट का टिल इंफिनिटी तक एक्सपोनेंट वैल्यू को हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो e का पावर x मींस एक्सपोनेंट वैल्यू है और इसको हम लोग ड्राइव करने के लिए 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। इस तरह से अगर माइनस में रखेंगे तो जैसा फर्दर हम लोग पहले फॉर्मूला देखा था कि जब माइनस आ जाएगा यहाँ पर तो फर्स्ट में प्लस उसके बाद माइनस यानी अल्टरनेट प्लस एंड माइनस का साइन होते हुए लेकिन वैल्यू सेम वैरी कर जाएगा। तो ये भी आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में जब हम लोग लिमिट का फंक्शन सोल्व करेंगे तो ये सब फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा और इसे याद रखने की जरूरत है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। हम यहाँ तक कि जब फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला जो हमारा लिमिट फंक्शन का थ्योरम है उसमें भी हम लोग इसे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कहीं कहीं पे। ए टू द पावर एक्स ऐसे वैल्यू के लिए हम लोग ई के पावर एक्स लॉग
ई ए यानी ई टू द बेस ई ए हो जाएगा। और ऐसे वैल्यू को और जब हम लोग ऐसे तो ये फॉर्मूला है ही, लेकिन जब इसको इन्फिनिटी की तरफ लिखेंगे तो वन प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ई ए, ई ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट 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 टिल इन्फिनिटी चला जाएगा। फिर आइए लॉगरिथम का जो कुछ फंक्शन है जो हमारा लॉगरिथम इन्फिनिटी की तरफ भी ले जाता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को लॉग वन प्लस एक्स यानी वैल्यू हो जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। यहाँ यह देखना है कि x की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन से बड़ी होगी एंड इक्वल टू वन और वन से छोटी होगी, तब हमारा ये लॉग का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव होगा। ये कंडीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए ऐसे कंडीशन को हम लोग इसमें अप्लाई करके ही फॉर्मूला को रख सकते हैं। लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स, फिर इसमें सभी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यहां पर फॉर्मूला माइनस होनी चाहिए, लॉग वन माइनस एक्स होनी चाहिए, जो बाई मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कहिए इसको। तो लॉग वन माइनस एक्स की फॉर्मूला में हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी हो जाएगा। और ऐसे सेम केस यहाँ भी माइनस वन जो है से एक्स का वैल्यू जो है माइनस वन से छोटी होगी और इक्वल टू माइनस वन से छोटी होगी, बट वन से माइनस वन से बड़ी होगी एंड इक्वल टू माइनस वन से भी बड़ी होगी, बट वन से यहाँ छोटी हो जाएगी। फिर आइए कुछ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वे में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी टिल इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, जैसे साइन एक्स, तो एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव माइनस फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन डॉट डॉट। यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन एक्स के सेंस में ऑड नंबर का रेज टू पावर जाएंगे और उसकी इसी के हिसाब से इसकी फैक्टोरियल वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। कॉस एक्स में जाएंगे तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि इवन नंबर का जाएगा और उसी तरह से उसकी वैल्यू से फैक्टोरियल टू से डिवाइड हो जाएगी। टेन एक्स में देखेंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस टू अपॉन फिफ्टीन एक्स फाइव प्लस डॉट 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 टिल टू इन्फिनिटी। इस तरह से कुछ हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमें आने वाले जो आगे का जो सेक्शन है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और उसे याद रखने की ज़रूरत है। आप उसे कहीं ना कहीं एक पेपर पे या फिर कहीं पर जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप इसको एक एज ए कॉन्टेंट के रूप में ढंग से इसको रख लीजिए और याद भी कर लीजिए तो आपके काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं कि हमारा जो लिमिट ऑफ फंक्शन में कुछ ऐसे हैं जो उसको हमें फॉर्मूला को ड्राइव करनी है। फॉर्मूला जब ड्राइव करना हो तब देखिए एक फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है, लिमिट ऑफ फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। और इस फॉर्मूले पर बहुत सारे प्रॉब्लम आईआईटी जेई इवन मेडिकल सभी में आते हैं, इसलिए वैसे एस्पिरेंट जो आईआईटी या मेडिकल का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे फॉर्मूला को देखिए और फिर हम लोग कैसे इसको ड्राइव करेंगे और इस पर कैसे प्रॉब्लम हमारा आता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि थ्योरम हमारा क्या बताता है लिमिट ऑफ फंक्शन का। तो फर्स्ट थ्योरम है, इसको हम लोग देखिए, यहां है कि इफ एन इज मेंबर ऑफ क्यू, क्यू मींस रेशनल नंबर, क्यू मींस रेशनल नंबर, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट एक्स टू द होल लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द होल n माइनस a टू द होल n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर होल n माइनस वन। ऐसे फॉर्मूला एक जस्ट लाइक एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे एज ए प्रूफ करेंगे उसको देखेंगे। और इससे पहले एक थोड़ी सी बारीकी मैं यहाँ पर बता दें कि इस फॉर्मूला को जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या बारीकी ध्यान रखना है और कहाँ किस फंक्शन में ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये फॉर्मूला वैसे कंडीशन में लगेगा जब हमारा x टेंड्स टू a रहेगा, तो ए वैल्यू और ए टू द पावर होल एन वैल्यू
और a टू दी a, ये तीनों सेम एज ए सेम होगा, तब ऐसे केस में ये फॉर्मूला हमारा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होगा। इसलिए जब भी हम इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना कि x टेन टू a रहेगा तो हमारा x के पावर n माइनस a की पावर n भी होना चाहिए और x माइनस a के पावर n भी x माइनस a होना चाहिए, तब उन केस में हमारा जो वैल्यू है वो समराइज करके n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ वे में समझते हैं कि कैसे हमारी वैल्यू वैरी करेगी। एज ए प्रूफ, प्रूफ में आइए हम लोग समझते हैं कि लेट x इक्वल टू a प्लस एच, मान लिया कि एक कोई फंक्शन है जो वैल्यू वैल्यू जो है वैरी कर रहा है a प्लस एच पर वैरी कर रहा है। यहां पर इसलिए हम लोग रख रहे हैं, ध्यान रखने वाली चीज है कि यहां x टेंस टू a मीन्स ये नहीं समझना है कि a हमारा इक्वल टू a है। x टेंस टू a का मतलब होता है कि a अप्रोचिंग टू x का वैल्यू जो है ये अप्रोचिंग टू a है, यानी a इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये या तो प्लस होगा या तो a में माइनस, a प्लस h करेंगे तो x से इक्वल हो सकता है या अदरवाइज a माइनस h करेंगे तो इक्वल टू x के बराबर हो सकता है। तो ऐसे सेंस में हम लोग मान सकते हैं कि लेट x इक्वल टू a प्लस h, देन एज अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x टेंस टू a, जब x टेंस टू a है तो h का मतलब है कि h की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये h की वैल्यू है टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब जब ऐसा हो गया तो नाउ अब जो हमारा जो गिवन फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू a x का पावर हॉल एन माइनस a का पावर हॉल एन अपॉन x माइनस a, इसको ऐसे हम लोग जब ड्राइव करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू एक जगह पर हम लोग अब क्या लिखेंगे a लिमिट x टेंस टू a है तो x जगह पर a प्लस h लिखेंगे का हॉल एन माइनस a का हॉल एन अपॉन, फिर x जगह पर हम लोग लिखेंगे a प्लस h माइनस a, क्या किया x जहां पर है वहां पर a प्लस h पुटअप कर दिया। जब पुटअप किया तो देखिए यहां एक से कैंसिल हो गया, अब हमारा जो लिमिट क्या जा रहा है लिमिट x टेंस टू a, यहां पर देख रहे हैं कि a जो वैल्यू है हम लोग यहां पर n का कॉमन ले सकते हैं, n यहां पर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h अपॉन a हो जाएगा और ये हॉल n हो जाएगा माइनस a का हॉल n अपॉन h। देन आफ्टर फिर आइए यहां लिमिट h x टेंस टू a, अब यहां n हम लोग पूरी तरह से बाहर कर देंगे, इसको कॉमन ले सकते हैं मींस बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारा क्या 1 प्लस h अपॉन a का हॉल n माइनस 1 अपॉन h। अभी हम लोग एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग देखा था कि 1 प्लस x का पावर हॉल एन को उसको हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, तो देखिए तुरंत हमारा ये फॉर्मूला में ड्राइव होने जाएगा, जो अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टिल इंफिनिटी तक जो रखा था उसकी वैल्यू को हम लोग यहां पर ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसे सेंस में हमारा ये वैल्यू a का पावर हॉल एन लिमिट x टेंस टू a, अब 1 प्लस x का पावर हॉल एन पर जब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस एन एच अपॉन a प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी जाएगा और माइनस वन अपॉन एच आ सकता है। फिर अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो देखिए क्या हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, यहां पर आएगा ए का पावर हॉल एन लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऐसा आ गया। अब यहां पर एक चीज और है, x टेंस टू a नहीं जाकर हमारा h टेंस टू जीरो जाना चाहिए, जब हम उसकी वैल्यू वैरी कर रहे हैं तो h टेंस टू जीरो जाएगा, h टेंस टू जीरो जाएगा। और फंक्शन ऑफ अब यहां पर हम लोग जब nh के सेंस में रख रहे हैं तो 1 से 1 तो ये कैंसिल हो गया, अब बच रहा जो है nh प्लस n इंटू एन माइनस वन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू हो जाएगा प्लस डॉट डॉट अपॉन एच। अब यहां पर देख लीजिए जब हम लोग इसकी वैल्यू को फिर से जो हमारे यहां पर कॉमन होने लायक है उसकी कॉमन की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे,
तो a का पावर ऑल एन लिमिट एच टेंस टू जीरो एनएच कॉमन एनएच अपॉन ए कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा कौन, वन प्लस एन एच चला जाएगा तो यहां बचेगा एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच अपॉन ए प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा तब क्या होगा, ए के पावर हॉल एन लिमिट एच टेंस टू जीरो मीन्स यहां आ जाएगा एन अपॉन ए और यहां वन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एच ए अपॉन ए डॉट 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 टिल इंफिनिटी। अब यहां पर वैल्यू हम लोग एक चीज और ध्यान रखना है कि ये एच की वैल्यू जो भी लिमिट जो फंक्शन टेंस टू रहता है वो तभी वैल्यू हम उसको पुट करते हैं जब हमारा वो एग्जिस्ट करता है या अदरवाइज कंटिन्यूअस वे में जाता है, तब हमारा यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म से जब हम लोग कैंसिल कर दिया अब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तब एच की वैल्यू हम लोग जहां जहां एच है वहां वैल्यू पुट कर देंगे तब वैल्यू हमारा देख लीजिए एन इन टू एन अपॉन ए और ये आ जाएगा कितना, वन प्लस जीरो प्लस जीरो डॉट 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 वैल्यू आ गया एन का पावर हॉल एन इंटू एन अपॉन ए गुना वन मीन्स एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। इस तरह से हम लोग देखा कि ए जो फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर हॉल एन ए के पावर हॉल एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए के पावर हॉल एन माइनस वन, ये हमारा एज ए लिमिट फॉर्म में आ गया। और अदरवाइज अगर इसको और अच्छे से समझना है तो एक अल्टरनेटिव मेथड से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं जो बहुत आसानी से इसको समझने की समझ में आ जाएगा और इसको भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अगर इनके से ये लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लग रहा है या नहीं सर, हालांकि ये भी बहुत आसान है लेकिन फिर भी एक ऑप्शनल वे में अल्टरनेटिव मेथड से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको और उस पर भी एक नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है तो हम लोग इसको भी देखते हैं। अब जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इसी फंक्शन को एज अल्टरनेटिव रूप में अल्टरनेटिव वे में प्रूफ करेंगे और वो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स का हॉल एन माइनस ए का हॉल एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन, ये हमें प्रूफ करनी है जो एज ए एक्सप्रेशन है। तो ए हम लोग देखिए कि एक फॉर्मूला हम लोग और देखा था, क्या देखा था कि x के पावर हॉल n माइनस a के पावर हॉल n इक्वल टू x माइनस a इंटू फिर लिखा गया x के पावर n माइनस वन प्लस a इंटू x के पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू x के पावर n माइनस थ्री डॉट 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 ये चला जाएगा a के पावर n माइनस वन तक। अब ये वैल्यू को x की पावर हॉल एन के जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तब देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a ये वैल्यू हम लोग रखते हैं तो x माइनस a x की वैल्यू n माइनस वन प्लस a x की वैल्यू n माइनस टू प्लस a स्क्वायर x की वैल्यू n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 a n माइनस वन अपॉन x माइनस a। अब x माइनस a x माइनस कैंसिल फिर क्या बचा हमारा, लिमिट x टेंस टू a एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन। अब यहां पर हम लोग जहां पर भी ये चूंकि फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है तब हम लोग x टेंस टू a में जहां पर a है वहां पर सब x जगह पर ए वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ऐसे पता चल रहा है कि हमारा फाइनाइट की तरफ जा रहा है तब हम लोग वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब सब्स्टिट्यूट जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रखेंगे तब देखिए हमारा यह फंक्शन या एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, ए के पावर एन माइनस ए प्लस ए इंटू ए के पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर ए के पावर एन माइनस थ्री डॉट 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 ए के पावर एन माइनस वन। देन आफ्टर जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे या इसको इवन मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हमारा रिप्लेस होकर देखिए क्या किस रूप में आ जाएगा, a के पावर n माइनस वन प्लस a के पावर यहां भी देखिए n माइनस वन हो जाएगा।
क्योंकि a के पावर 1 हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो n माइनस 2 प्लस 1 मीन्स n के पावर a के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी सेम एज a के पावर n माइनस 1 हो जाएगा डॉट 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 और टिल इंफिनिटी तक जाइएगा तो a के पावर n माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं जो कि सब में है, तो हमारा हाँ यहाँ ये जो वैल्यू जो जा रहा है टिल n टर्म तक जाएगा, टिल n टर्म तक जाएगा। और इस केस में यहाँ a के पावर ऑल n जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा वैल्यू 1 + 1 + 1 डॉट 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 n टर्म। आप जानते हैं कि जब 1 को n टर्म तक हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तब ऐसे सेंस में हो जाएगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1, जो कि काफी आसानी से हम लोग इसको अल्टरनेटिव वे में प्रूफ कर सकते हैं। और ये भी हम लोग जो पहले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग दिया उसी से रिलेटेड है जो हमारा ये फॉर्मूला था, और कहीं ना कहीं हमें ये काम दे रहा है और इसलिए हमें ऐसे फॉर्मूला का भी नजर रखने की जरूरत है। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा कुछ यहां पर अब जब हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन और इसके एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, तो बच्चों आप लोग से एक देखते हैं कि एक नजर दौड़ाने की जरूरत है और समझ रखने की जरूरत है कि आप इसमें क्या सीखा है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर ड्राइव कर रहे हैं, उसको समझिए सिर्फ केवल ग्राफ के माध्यम से। तो ये ग्राफ को अभी हम लोग जस्ट बताया है कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस कर रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि एक LH लिमिट है और ये RH लिमिट है। ठीक है, ये हमारा जीरो की तरफ जा रहा है और एक फंक्शन है जो लिमिट x टेंड टू जीरो की तरफ जा रहा है। अब यहां पर ये बताना है कि दिए गए जो ग्राफ है क्या हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारा 1/x² है और ये हमें बताना है कि डज लिमिट फंक्शन ऑफ लिमिट x टेंड टू जीरो फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन है कि क्या ये हमारा लिमिट जो x टेंड टू जीरो जा रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके हम लोग ग्राफ भी देख रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से भी समझ रहे होंगे कि ये हमारा अब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो वह क्यों नहीं करेगा। तो इसमें मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको आप लोग कॉमेंट में भी हमें दीजिए कि इसका आंसर क्या होता है और इस पे हम फिर विचार करेंगे। आपके आपके लिए खास करके ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को ड्राइव करने की जरूरत है और इससे जुड़ने की जरूरत है। जुड़िए और देखिए, बहुत मजा आएगा। इसमें हमें इस सेक्शन में गया गाइडेंस प्रोग्राम में जाइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और करने के बाद इसको आप देखिए और इसका सही आंसर क्या होता है वो हमें लाइक या इसके लाइक या कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी लिखिए और हमें बताइए। अब हम लोग इसको आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि यह लिमिट एग्जिस्ट करता है अदरवाइज नहीं करता है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी इस पर चर्चा किया था, तब आप लोग कैलकुलेशन पर चलते हैं कि लिमिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और लिमिट कैलकुलेशन करने के लिए हमारा क्या क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम लोग समझा। सबसे पहले तो एक बताया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा हम लोग बताया कि वह डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। डिसकंटिन्यूअस सेंस में हम लोग का सॉल्यूशन करने का जो विधि था हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि लिमिट के फंक्शन को हम लोग कई विधि से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे कि जो हमारा वैल्यू डायरेक्ट जो एक्स टेंड्स टू जो वैल्यू फंक्शन रहेगा अगर वो डायरेक्ट वेरी करेगा और इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड से बना सकते हैं, अगर वो वेरी नहीं करेगी इनफाइनाइट वे में चला जाएगा तब हमारे लिए उसकी कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड को हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट क्लास में भी चलाएंगे। लेकिन अभी भी आपको एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड पर हम लोग चल रहे हैं, उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। इन डिटरमिनेट फॉर्म, बच्चों याद होगा मेरा प्रीवियस क्लास में भी
देखा गया था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैंने बताया था, उसमें शायद आपको याद होगा कि कितने तरह का हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, हमारी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। और इनफाइनाइट वैल्यू, जरा सोचने की जरूरत है कि इनफाइनाइट वैल्यू होने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंडीशन है, तब हमारा वैल्यू जो है इनफाइनाइट की तरफ जाता है। तो उसके फिर से मैं फोकस कर दूं ताकि यह आपको बहुत मजबूत कड़ी है, बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। यहां पर हम कुछ एग्जांपल के साथ भी ला रहे हैं कि फंक्शन कैसे हमारा किस फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है और वो कैसे हमारा इनडिफिनिट में चला जाता है। यहां पर देख लीजिए, इनडिटर्मिनेट में चला जाता है। फर्स्ट है, हम लोग बताया था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा, देयर आर सेवन फॉर्म इन मैथमेटिक्स मेक अ इनडिटर्मिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जीरो अपॉन जीरो। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जीरो जीरो एक बहुत ही समझिए तो एक बिग रोल अदा करता है हमारे मैथमेटिक्स में। लेकिन यहां जो फॉर्म है कि जीरो अपॉन जीरो, हमने बताया था कि जीरो से किसी में भाग नहीं होता है, मतलब ये मीनिंगलेस फॉर्म में चला जाता है। इसका कोई मतलब ही नहीं होता कि किसी को जीरो से भाग दीजिए। मैथमेटिक्स वे में अगर जीरो से हम भाग देंगे, ऐसे हम नेक्स्ट पीरियड में हम बताएंगे आप लोगों को कि जीरो से भाग देने से हमारा मैथमेटिक्स किस तरह से सारा चीज उथल पुथल हो जाता है। लेकिन अभी समय कम है, इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से भाग देंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा मैथमेटिक्स पूरी तरह से उथल पुथल हो सकती है। तो ऐसे के लिए आप लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो उससे पहले कि देख ले कि जीरो पॉइंट जीरो मीन्स जीरो का फॉर्म ही होता है कि जब किसी, आप गांठ बना लीजिए कि जब भी किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करने की बात आए, मीन्स वो एक तरह का बकवास बात हो गई, मीनिंगलेस बात हो गई, ऐसा कुछ वैरी नहीं करता है, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा और वैल्यू हमारा इंफिनिटिव की तरह चला जाएगा। तो देखिए, एक फंक्शन हम यहां पर ले रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहां है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। यहां पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू को, एक्स को यहां पर हम लोग पुट कर देंगे वन, तो यहां हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, और वन माइनस वन मीन जीरो अपॉन जीरो, जो कि ये इनडिटर्मिनेट की तरफ जाता है, हमारी वैल्यू मीनिंगलेस की तरफ जाती है। तब ऐसे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसकी कुछ मेथड है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। फिर आई इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी का मतलब नथिंग, मीनिंगलेस, और जब कुछ है ही नहीं है उसमें किसी मीनिंगलेस से भाग देंगे तो ये भी हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाता है। और इसका भी मतलब हो गया कि ये एक मीनिंगलेस बातें हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लिए हम लोग देख लीजिए क्या होता है। x टेंड टू इंफिनिटी एक फंक्शन है, log e टू द बेस x अपॉन x। अब यहां x की जगह पर हम लोग इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरे की वैल्यू इंफिनिटी वैरी कर जाएगा और नीचे भी इंफिनिटी आ जाएगा, तब हमारा ये जो फॉर्म हो जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से जाइए जीरो टू द रेस पावर जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग इज द रेस टू द पावर जीरो मीन्स वन, एनीथिंग इज रेस टू द पावर जीरो मीन्स वन, बट एनीथिंग इज रेस जीरो टू द पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, यहां पर वन नहीं होता है। एक चीज यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि एनीथिंग का मतलब मींस ये नहीं होता है कि फाइनाइट, ये नहीं बताया गया था कि फाइनाइट वैल्यू टू द पावर रेस इक्वल टू वन, ये होता है, ये नहीं होता है कि जीरो के पावर हम लोग जीरो कर देंगे, जीरो का पावर नहीं होता है। इसलिए यहां पर यह ध्यान रखना है कि एनीथिंग मीन्स फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मीन्स जीरो के छोड़ के किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होगी, अदरवाइज कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है उसके पावर जीरो होगी तब वो वैल्यू वन हो सकता है। लेकिन इंफिनिटी हो या जीरो हो, जो नंबर है ही नहीं उसके पावर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाता है और इनडिटर्मिनेट हो जाता है। इसलिए एकदम याद रखने की जरूरत है कि जीरो टू द रेस जीरो इक्वल टू
इन्फिनिटी की तरह भागेगा और ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स टू द रेस पावर टेन एक्स। अब साइन एक्स की जगह पर हम लोग यहां जीरो रख देंगे, टेन एक्स की वैल्यू आप जीरो रख देंगे तो ये जीरो टू द रेस जीरो हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे सेंस में ये भी हमारा इनडिटर्मिनेट कर जाएगा। अब आइए जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी मीन्स यहां अगर इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप हमारा ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा और ऐसे केसेज में यह वैल्यू हमारा इनडिटर्मिनेट कर जाएगा। तब देख लीजिए कि लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई अपॉन टू, यहां पाई अपॉन टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहां पर देख लीजिए एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और टेन के जगह पर पाई बाई टू रखेंगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी जीरो इंटू इन्फिनिटी यानी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा और ऐसे केस में फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट कर जाएगा। अब आगे देखिए हमारा नेक्स्ट जो है छठा केस, पांचवा केसेस देख लीजिए। पांच केस है वन टू द पावर इन्फिनिटी, वन के पावर इंफिनिटी मीन्स इनडिटर्मिनेट, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। और ऐसे केस में लिमिट एक्सटेंड टू पाई अपॉन टू मीन्स, अब यहां पर देख लीजिए कि साइन एक्स, साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स, यहां एक्स की जगह पर पाई बटा टू रखेंगे तो ये तो वैल्यू वन हो जाएगा लेकिन टेन की जगह एक्स, टेन एक्स की जगह पर एक्स पाई बाई टू रखेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। और ऐसे केस में वन टू द रेस पावर इन्फिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू एक टाइप से हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। पांचवा छठा देख लीजिए कि इन्फिनिटी टू द रेस पावर जीरो, ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके लिए एग्जाम्पल है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो cot x टू द रेस sin x, यहां देख लीजिए cot इंफिनिटी रखेंगे, cot के पावर जीरो, cot x के वैल्यू जीरो रखेंगे तो cot जीरो की वैल्यू होती है इंफिनिटी और sin x के जगह पर जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। इसलिए इंफिनिटी पावर जीरो के सेंस में यह भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है और ऐसे फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। और फिर इसको हल करने के लिए भी हम लोग विधि को आगे चर्चा करेंगे। अगला सेवंथ जो लास्ट हमारा टॉपिक है इन्फिनिटी फॉर्म का, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहां पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि इन्फिनिटी में से कोई भी नंबर को ऐड कीजिए इन्फिनिटी होता है, कोई भी नंबर माइनस कीजिए तब भी इन्फिनिटी होता है। ऐसे केसेज में हमारा ये वैल्यू पूरी तरह से इनडिटर्मिनेट कर जाएगा। तब ऐसे इन्फिनिटी फॉर्म को लाने के लिए हम लोग देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहां पर जहां जहां एक्स है वो सब जगह हम लोग वन रख देंगे तो वैल्यू हमारा देख लीजिए इसकी भी इंफिनिटी हो जाएगी, वन माइनस जीरो हो जाएगी, टू अपॉन भी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। और इस तरह से हमारा कैलकुलस के लिमिट फंक्शन में सात ऐसे फॉर्म है जो फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट कर जाता है और ये हमें बहुत याद रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि जो भी फंक्शन हमारा वैरी करेगा इसी पर आएगा और ऐसे क्वेश्चन को हमें बनाने में बहुत मदद मिलेगा जब हम इसके साथ सातों कंडीशन को रिमेम्बर रख सकते हैं तब। अब देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म को इवेलुएट करने के लिए कुछ हमारे पास अब एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, वो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या कर सकते हैं कैसे हमारा फंक्शन इवेलुएट होता है। तो अब हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन पर जा रहे हैं, लिमिट के सारे जो भी डिस्क्रिप्शन बातें था वो हो चुका है, अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि इवैल्यूएट इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे और जब वो आप
हमारा वैल्यू फाइनाइट आ जाएगा तो फिर हमें आगे अन्य वैल्यू पर या मेथड पे हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तो हमें उसकी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो अन्य मेथड पे हमें फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा x टेंड टू जो फंक्शन वैल्यू आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू से अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो हमारा वैल्यू मतलब फाइंड हो जाती है, यानी हमारा जो फंक्शन है इवैल्यूएट हो जाता है। तो ऐसे सेंस में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग ला रहे हैं कि फाइंड लिमिट x टेंस टू माइनस वन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो आप डायरेक्ट पुट करिए, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू जो टेंस टू माइनस वन है तो टेंस टू माइनस वन के बदले x इक्वल टू माइनस वन पुट करके रखेंगे। जब पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू यहां पर क्या वैरी कर जाता है सो देख लेंगे। एक रफ आइडिया भी आप बना सकते हैं और इससे भी आप तुरंत इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू मीन्स फोर इंटू माइनस वन का पावर माइनस वन टू द रेस टू प्लस टू मीन्स फोर इंटू वन प्लस टू मीन्स सिक्स। ये वैल्यू कैसी आई? फाइनाइट वैल्यू आ गई। तब जब फाइनाइट आ गई तब हमें आगे अन्य मेथड वैल्यू पर जाने की जरूरत नहीं होगा और यहीं से हमारा ये वैल्यू फाइंड हो गया, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन लिमिट का दिया रहे उस पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू को पता करेंगे, अगर वैल्यू फाइनाइट आई तब वही हमारा सॉल्यूशन समाप्त हो गया, अगर वैल्यू इनफाइनाइट हुई तो अभी भी कसर है, उसे हमें अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को छोड़ के अलग जो मेथड ऑफ जो सॉल्यूशन है उस पर जाने की जरूरत है। और ऐसे केसेस में फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। एक आपका फंक्शन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये फंक्शन को हम लोग भी डायरेक्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वन। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको रफली हम लोग आइडिया निकालेंगे, सबसे पहले रफली निकालेंगे कि डायरेक्ट x की वैल्यू हम वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू और वन प्लस वन मीन्स वन प्लस थ्री प्लस टू अपॉन टू मीन्स सिक्स अपॉन टू यानी थ्री। ये भी फाइनाइट आ गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड से बनाएंगे और न्यूमरेटर भी इसकी सिक्स आ रही है, डिनोमिनेटर भी टू आ रही है और वैल्यू हमारा वैरी कर जा रहा है, इस मीन्स या जो वैल्यू है एक्स की वो इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, तब हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू, जैसे हम लोग यहां देखा रफ आइडिया में बना रहे थे वन प्लस वन, तब आएगा वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू मीन सिक्स अपॉन टू और ये वैल्यू थ्री आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, फाइनाइट की तरफ जा रहा है और हम लोग इसको तुरंत फाइंड कर लिए। अब आइए अगला आप लोग का एक सामने एक एग्जांपल दे रहे हैं जो हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किया। फॉर्मूला जो प्रूफ किया था कि x के पावर होल n माइनस a के पावर होल n अपॉन x माइनस a इसकी वैल्यू कैसे वैरी करता है, उस पर हम लोग चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a x टू द रेस पावर 5 अपॉन 2 माइनस a टू द रेस पावर 5 अपॉन 2 अपॉन x माइनस a। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां रूट ओवर एक्स माइनस ए रूट ओवर ए। अब ये हमारा जो बेसिक जो फॉर्मूला था हमारा एक्स के पावर हॉल एन माइनस ए के पावर हॉल एन अपॉन एक्स माइनस ए इस फॉर्म में है नहीं है, तो हम लोग
ऐसे फॉर्म में पहले ये बेसिक फॉर्मूला में हम लाने की कोशिश करेंगे, और जब बेसिक फॉर्मूला में आएगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करके इस वैल्यू को तुरंत हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ एक्स का रूट ओवर है, तो रूट ओवर का मीन्स होता है एक्स का पावर हाफ। रूट ओवर मीन्स होता है एक्स का पावर वन अपॉन टू। तो ऐसे सेंस में ये दोनों यहाँ पर दो दो वैल्यू जो हमारा पावर की तरफ ले जा रहा है, तो अब हमारा इस क्वेश्चन में दो दो जो है बेसिक फॉर्मूला इस टाइप का छुपा हुआ है। और ऐसे सेंस में इसको जो हम लोग अरेंज करेंगे, तब देख लीजिए अब हमारा ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ऑन डिवाइडिंग बोथ, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मिनेटर बाय x माइनस ए। अब ऐसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में भी x माइनस ए से और डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू जस्ट कितना से आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है इसमें। तो किया जा सकता है, तो लिमिट x टेंड टू ए यहां पर हम लोग लिखेंगे x के पावर 5 अपॉन 2 माइनस ए के पावर 5 अपॉन 2 अपॉन x माइनस ए। फिर हो जाएगा x के पावर 1 अपॉन 2 माइनस ए के पावर 1 अपॉन 2 अपॉन x माइनस ए, लिखा जा सकता है। अब एक लिमिट का या दो दो फंक्शन है, लिमिट एक है, तो ऐसे केसेस में हम इसको दो लिमिट में तोड़ सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a एक वैल्यू का ला जाएगा x के पावर 5 अपॉन 2 a के पावर 5 अपॉन 2 अपॉन x माइनस ए, और दूसरा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर 1 अपॉन 2 a के पावर 1 अपॉन 2 बटा x माइनस ए। यहाँ पर हमने बताया था कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वही यहाँ पर वैल्यू तीन जगह ए ए आएगा, तब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग वैल्यू अप्लाई करेंगे तब हमारा देख लीजिए एन एन का पावर जो हमारा है वो लिखा जाएगा 5 अपॉन 2 ए का पावर 5 2 माइनस 1, नीचे के लिए वैल्यू 1 अपॉन 2 ए के पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। जब इसको हम लोग आगे बढ़िए तब आ जाएगा 5 अपॉन 2 ए का पावर ये 5 माइनस 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा हाफ ए के पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसको और अरेंज कर लीजिए तो 5 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 और ए के पावर 3 अपॉन 2 अपॉन ए के पावर माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 5 इक्वल टू ए के पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, मीन्स 5 इंटू ए के पावर 4 अपॉन 2 और एक कटकर 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखा कि जैसा कि हम लोग प्रूफ किया था और प्रूफ के हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा वैरी कर गया है, और वैरी कर जाने के बाद इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए कि हमारा क्या, अब हम लोग जो देख रहे हैं कुछ वैल्यू हमारा यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा तो वैसे को हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए एक क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड टू a x टू द रेस पावर 9 माइनस a टू द रेस पावर 9 अपॉन x माइनस a इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 एंड x प्लस 4। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर क्या करना है कि हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है जो x की वैल्यू कितना बताता है या a की वैल्यू कितनी बताता है, ये वैल्यू हमको यहां पर निकालना है। तो इस तरफ से हम लोग क्या चलेंगे कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो बेसिक वे में है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए 9 a के पावर 9 माइनस 1 और यहां हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो 5 प्लस 4। अब क्या आ जाएगा 9 a के पावर 8 इक्वल टू 9, फिर हो जाएगा a के पावर 8 इक्वल टू यहां 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखा कि a की वैल्यू जब प्लस माइनस 1 हो जाएगा तो यह वैल्यू हमारा इंफिनिटी की तरफ चला जाता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक माइनस रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 1।
ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग x की वैल्यू इस पे पुट करके देखेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी 0 अपॉन 0 यानी ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके नहीं बना सकते हैं। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके नहीं बनाएंगे तब फिर हमारा मेथड ऑफ इस पे चले जाएंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग बना सकते हैं इसको। देख लीजिए, जब हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म चला गया तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग जिसके कारण वह इंडिटरमिनेट हुआ है उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सहारा लेंगे और कुछ देखेंगे कि एक ऐसे वैल्यू जो है वो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म कर रहा है जो उसको कॉमन में ले जा रहा है, तो सबसे पहले उसके कॉमन वैल्यू को हम लोग डिस्ट्रॉइड करेंगे और तब हमारा वैल्यू फाइनाइट हो जाएगा और वैल्यू को पुट करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां रूट x हम कॉमन ले सकते हैं तो रूट x कॉमन ले लेंगे तो हमारा वैल्यू बच जाएगा है x की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 और यहां रूट ओवर x माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर अब इसकी वैल्यू हम लोग x स्क्वायर माइनस 2 है या x क्यूब है तो उसके सेंस में भी हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तब भी यहां पर देख लीजिए कि अगर x की वैल्यू 1 भी रखेंगे तब भी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जा रहा है यानी 0 अपॉन 0 फॉर्म में जा रहा है। अभी भी हमें इसको कॉमन लेने की जरूरत है। अब यहां x के पावर के सेंस में हम लोग इसको तोड़ेंगे कि x के पावर के सेंस में क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अब देख लीजिए एक फॉर्मूला वे में लेके जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स का पावर क्यू माइनस वन क्यू लिखा जा सकता है, क्योंकि हाफ पावर को रूट एक्स लिखा जाता है और क्यू है तो रूट एक्स का क्यू हो गया और वन का क्यू तो हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस वन, ऐसा वैरी करता है। देन आफ्टर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अब ए क्यू माइनस बी क्यू पर हम लोग इसको जब तोड़ेंगे ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होता है कि रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स आई प्लस रूट एक्स प्लस 1 और अपॉन रूट एक्स माइनस 1। अब यहां बच्चों देखना है कि यही जो वैल्यू था जो कॉमन वैल्यू था जिसके कारण ये पूरा मेरा गिवन फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो रहा था, अब जब देखिए ये दोनों वैल्यू कैंसिल कर देंगे तब हमारी वैल्यू जो है वो फाइनाइट की तरफ ले जाएगा और अब जब फाइनाइट की तरफ आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। अब यहां पर x की वैल्यू हम लोग पुट करके देख लीजिए तब हमारा वैल्यू देखिए वह इंफिनिटी की तरफ ना जा करके फाइनाइट की तरफ आएगा तो हमारा गिवन सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर 1 रूट ओवर 1 इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 1 इंटू 3 मीन्स 3। अब ये हमारा इस फंक्शन का फाइनाइट वैल्यू 3 आ गया और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से देखा कि 0 बाय 0 फॉर्म में आएगा तो हम लोग कैसे इसको फाइनाइट करेंगे और कैसे वैल्यू को डिटर्मिनेट करेंगे। बच्चों इसके साथ ही कुछ आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं, उस असाइनमेंट पर भी ध्यान रखिए। हम लोग सबका आंसर भी दे रखे हैं और इसमें फॉर्म को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा ये फॉर्म कौन सा जाता है। तो ये लिमिट x टेंड टू 3 इसमें भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रखिएगा, अब अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाएगा तो आपका गिवन आंसर प्राप्त हो जाएगा, नहीं आएगा तब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि पहले जिसके कारण वो इंडिटरमिनेट हो रहा है तो उसको हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करेंगे और जो भी हम लोग एग्जाम्पल दिया है उससे रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चन है और उस 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आप यहां तक कि ये आप लोग के ये मत समझिए कि केवल ये इंटर के लिए है, ये आपको कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन है, आप आईआईटी मेडिकल के लिए भी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि गया गाइडेंस को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसे काफी ध्यान से देखें, काफी बेनिफिशियल हुआ है और आने वाले सत्र में भी हम लोग इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जो भी आप लोग लाइव कमेंट जो करना है जाके ब्लॉग पर जाकर लाइव कमेंट कीजिए, आपको आंसर दिया जा सकता है, आप जो भी प्रॉब्लम है उस पर आप हम लोग
चर्चा कर सकते हैं, हम लोग इस पर डायरेक्ट फाइनल करके आंसर देंगे, आप लोग के लिए सही साबित होगा और इसके लिए हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की जरूरत है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।